गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज इस वीडियो में हम 14 जुलाई की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ, और वीडियो के लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि डेली आप करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने 29 करोड़ रुपए की सीमा दर्शन परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये सीमा दर्शन परियोजना जो है वो गुजरात में, इसको मंजूरी मिली है। गुजरात के जो CM विजय रूपानी ने बंसलकंठ जिले में इस परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये जो है ये सीमा दर्शन जो परियोजना है वो गुजरात के बंसलकंठ जिले में लागू हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं कि टोक्यो 2020 ओलंपिक मशाल रिले कहां से शुरू होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो फुकुशिमा से शुरू होगा। फुकुशिमा से ये जो है ओलंपिक मशाल जो है स्टार्टिंग होता है ओलंपिक का, तो वो फुकुशिमा से शुरू होगा, और इसका जो स्टार्टिंग है वो 26 मार्च 2020 को स्टार्टिंग होगा और 10 जुलाई को ये टोक्यो पहुंचना है। ठीक है, तो मतलब फुकुशिमा से लेकर ये टोक्यो तक पहुंचने में लगभग 2.5 महीने देख सकते हैं कि लग जा रहा है, 3 से 4 महीने, तो ये इतना दिन चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस सार्वजनिक बैंक के साथ पैकेज पर रक्षा वेतन पैकेज पर MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ जो है भारतीय सेना ने एक सार्वजनिक बैंक के जो भारतीय स्टेट बैंक के साथ रक्षा वेतन के मामले के तहत ये हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने 13 जुलाई 2018 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये मोहम्मद कैफ जो है इन्होंने कि 13 जुलाई को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जिसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कहना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि यहाँ आपको मिलेगी आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दादा JP वासवानी का निधन हो गया, उनके गुरु कौन थे? मतलब कि दादा JP वासवानी के गुरु कौन थे? तो इनके जो गुरु थे TL वासवानी थे। वासवानी मिशन के प्रमुख JP वासवानी जी का 99 वर्ष की उम्र में 12 जुलाई 2018 को महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया, और इनका जो जन्म हुआ था 2 अगस्त 1918 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप अच्छे से नोट्स में याद कर लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जुलाई 2018 को किस शहर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया जो मुख्यालय बना वो नई दिल्ली में बना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में किस महिला खिलाड़ी ने पहली बार 400 मीटर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हिमा दास जो है इन्होंने क्या कि भारतीय इन्होंने वर्ल्ड मतलब अपना एक इतिहास ही रच दिया है कि भारत की तरफ से ऐसा पहली महिला बनी है एथलेटिक्स के रूप में जिन्होंने 400 मीटर फाइनल में स्वर्ण पदक मतलब कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो ये भारतीय तेज धाविका जो है हिमा दास ने 12 जुलाई 2018 को इतिहास रचा, और इन्होंने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 में यह जीत हासिल की, मतलब कि ये अंडर 20 था जिनमें इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये दुर्गा शक्ति नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो अपराध होते हैं उनको रक्षा करने के लिए, सुरक्षा और सशक्तिकरण बनाने के लिए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है दुर्गा शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इनके जो लेखक कौन है, एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल के लेखक कौन है? तो ये तपन कुमार चंद्र जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी है एल्युमिनियम द फ्यूचर, और तपन कुमार जो चंद्र है वो नालको के CMD है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप अच्छे से ये बुक्स वैसे भी बुक्स हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल। ठीक है, तो ये तपन कुमार चंद ने लिखा है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।